नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी से बेदखल किए गए इमरान खान आज बड़ा फैसला ले सकते हैं। इमरान आज अपने अगले एक्शन के बारे में बताएंगे। इमरान खान ने आज अपनी पार्टी की कोर कमेटी की बैठक भी बुलाई है और पीटीआई की इस बैठक में सीनियर लीडर्स के साथ इमरान की मीटिंग होगी, रणनीति तय की जाएगी और अपने अगले एक्शन प्लान को जनता के सामने, समर्थकों के सामने रखा जाएगा। 15 घंटे के सियासी नाटक के बाद आधी रात को इमरान की सरकार गिर गई और इमरान अब प्रधानमंत्री आवास छोड़ चुके हैं। कल नेशनल असेंबली में सदन का नया नेता चुना जाएगा। शहबाज शरीफ का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। सदन का नेता चुने जाने के लिए नेशनल असेंबली की कार्यवाही कल दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी। तो पाकिस्तान में फिलहाल सियासी हलचल तेज है क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान में सत्ता की बदली हो चुकी है, यानी इमरान खान की सरकार गिर चुकी है, इमरान खान जा चुके हैं और दूसरी तरफ नए सरकार के आने की तैयारियां चल रही हैं। इमरान खान इज आउट और शहबाज शरीफ इज इन। पीटीआई आज रात को देश भर में प्रदर्शन करने का प्लान तैयार कर चुकी है। हर शहर में प्रदर्शन किया जाएगा। वक्त अगर भारतीय हिसाब से देखा जाए, भारत के हिसाब से, तो रात को लाहौर में 8:30 बजे प्रदर्शन होगा, कराची, मुल्तान और सियालकोट में रात को 9 बजे होगा, पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से 8:30 हो गया, सहिवाल में रात को 10 बजे और उमेरकोट सिंध में रात को 10:30 बजे ये प्रदर्शन होगा। तो इमरान खान की पार्टी की ओर से अब तय किया गया है कि हम तो आउट हो चुके हैं सरकार से, लेकिन सड़कों पे उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे और जो विपक्ष है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। पाकिस्तान में पीएम की कुर्सी गंवा चुके इमरान की मुश्किल बढ़ सकती है। इमरान खान से जुड़े मामलों पर कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इमरान ने सरकार गिराने के लिए जिस साजिश का जिक्र किया था, जिस खत का जिक्र किया था, उस खत की जांच कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। साथ ही ECL में इमरान खान का नाम शामिल करने को लेकर भी कल सुनवाई होने जा रही है। इमरान खान और उनकी सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया जाएगा, जिससे कि ये देश छोड़ के बाहर ना जा सकें। ECL में नाम शामिल होने के बाद इमरान खान देश छोड़कर नहीं जा पाएंगे। पाकिस्तान में 1981 में इसे पास कराया गया था, इस बिल को, जिसे ECL बिल कहा जाता है। इसके तहत संगीन अपराध में शामिल शख्स को देश छोड़ने पर रोक लग जाती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान के खिलाफ याचिका मंजूर कर ली है, कल सुनवाई होगी। और पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो इस वक्त वहां से आ रही है। सरकार गिरते ही इमरान खान के करीबियों पर एक्शन शुरू हुआ है। इमरान के सलाहकार और प्रवक्ता अरसलान खालिद के घर पर बताया जा रहा है देर रात छापा पड़ा है। अरसलान खालिद के घर वालों ने बताया कि उनके फोन छीन लिए गए हैं। इमरान की पार्टी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और आरोप लगाया कि किसी गलती के बावजूद, ना करने के बावजूद, अरसलान खालिद को परेशान किया जा रहा है। इमरान की सरकार गिरने के बाद पाकिस्तान की एजेंसी अलर्ट हो गई है। नए फरमान के मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा सकता बिना NOC के, और साथ ही पाकिस्तान छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। सभी एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट है, अस्पतालों में भी हाई अलर्ट रखा गया है, अस्पतालों की सुरक्षा तक बढ़ा दी गई है। सरकार गिरने के बाद नए PM के चुनाव का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। आज दोपहर 2:30 बजे तक प्रधानमंत्री पद के लिए नॉमिनेशन होगा। दोपहर 3:30 बजे नॉमिनेशन पेपर की जांच की जाएगी और कल दोपहर 2:30 बजे के बाद नेशनल असेंबली में PM पद के, यानी कि जो चुने जाने वाले हैं, उनके नाम को भी तय कर लिया जाएगा। इमरान की सरकार गिरने के बाद नेशनल असेंबली में खूब जुबानी तीर चले हैं। शहबाज शरीफ ने इमरान पर बेगुनाहों को जेल भेजने का आरोप लगाया। जवाब में संसद में मौजूद PTI के इकलौते सांसद ने विदेशी साजिश का आरोप लगा दिया। आज दोबारा पाकिस्तान के अंदर आईन और कानून का पाकिस्तान दोबारा बना चाहता है। ये इत्तेहाद इंशाल्लाह पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगा इंशाल्लाह ताला। और मैं यहाँ पर अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन तमाम साथियों ने जेलें काटी हैं। हमारी पहली मर्तबा तारीख में ये शायद पहला मौका है कि हमारी बेटियों ने, बहनों ने भी जेलें काटी हैं। मियां नवाज शरीफ जो 3 मर्तबा वज़ीर आज़म रहे, उनको किस तरीके से जेलों में भिजवाया गया। वक्त साबित करेगा कि कौन असली शेर है। आपके अल्फाज आपको मुबारक हों। वकूलुल नास हुस्ना, मेरी तरबियत ऐसी नहीं हुई। इमरान खान साहब ने कहा कि हम मुस्लिम ब्लॉक बनाएंगे। इमरान खान साहब ने मुस्लिम ब्लॉक की बात की, ये उनका गुनाह है। इमरान खान साहब ने आजाद खारजा पॉलिसी की बात की, ये उनका गुनाह है। मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि रूस सिर्फ बहाना है जनाब चेयरमैन साहब, मोहतरम अयाज सादिक साहब, कि रूस सिर्फ बहाना है, इमरान खान निशाना है।
इमरान खान का गुनाह ये है उसने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होते हुए खत्म नबूवत की बात की, इस्लामिक उम्मा की बात की, मदीना की रियासत की बात की। इमरान खान का गुनाह ये है कि उसने साम्राज्य के सामने खड़े होकर ये बात की कि एब्सोल्युटली नॉट। तो आपने सुना कि किस तरह से यहां पर तकरीरें हो रही थी, यानी कि जो भाषण दिया जा रहा था उसमें बताया गया कि विपक्ष का तो कहना है कि हम किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, किसी को जेल नहीं भेजेंगे, और साथ ही साथ उसका जवाब भी आया था। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इरशाद अहमद खान जुड़ गए हैं, जो कि नेता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गुट के, और साथ ही हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं रिटायर्ड मेजर जनरल AK शिवाज सर। इरशाद साहब, बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो, क्योंकि आपके पार्टी से ही शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार किस तरह से तैयारियां चल रही है और कब तक ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, किस तरह से? बहुत शुक्रिया आपका, और आपको भी मुबारक हो, क्योंकि खित्ते में अमन आएगा और खित्ते में मोहब्बतें बढ़ेंगी। अब हम आपकी तरफ ध्यान देंगे, आप हमारी तरफ ध्यान देंगे, इंशाल्लाह हम एक खूबसूरत खित्ते को मजीद खूबसूरत बनाने जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है, हेलो, आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि खित्ता खूबसूरत बनेगा और एक हुकूमत इतनी खूबसूरत हुकूमत बनने जा रही है। तारीख में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि तमाम मुल्क की अपोजिशन पार्टीज एक पेज पर है, सारा मुल्क एक पेज पर है, सारी आवाम एक पेज पे है, इदारे एक पेज पर है। इससे इसका मतलब ये है कि इतनी तरक्की करेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह, जो कुछ 3.5 साल में अगर थोड़ी बहुत कमी बेची हमारे मुल्क में आई है, जो हमारे मुल्क में बदहाली आई है, उसमें खुशहाली में बदला जाएगा जल्द अज जल्द। आप ये देखेंगे जैसे ही मियां शहबाज शरीफ साहब अपनी ओथ लेंगे इंशाल्लाह, वो देखिएगा कि वो दिन इतना खूबसूरत दिन होगा, इतना खुशहाली का दिन होगा कि लोग देखेंगे और पूरी दुनिया से लोग आएंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान को टूरिज्म भी बढ़ेगा, आपकी तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ेगा। तो ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए तो इंतजार करना होगा कि दोस्ती कितनी होती हमारे में, लेकिन इस बात की खुशी हमें होगी इरशाद साहब, हमें इस बात की खुशी होगी कम से कम वहां पर जो हालात है वो सामान्य हो जाए, नॉर्मल हो जाए। और दूसरी बात ये हम जानना चाह रहे हैं कि कब तक हालात नॉर्मल है जी, कब तक ये सारी प्रोसेस कब तक हो जाएगा, कब तक शहबाज शरीफ शपथ ले लेंगे, ओथ ले लेंगे? देखें इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह वो ओथ ले लेंगे अल्लाह ने चाहा तो, कल ही, आज नॉमिनेशन के पेपर जमा हो गए हैं जी, तो कल इंशाल्लाह कल ओथ सेरेमनी होगी। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि मुल्क तो संभाल लिया पीडीएम के गुलदस्ते ने, इस खूबसूरत गुलदस्ते ने मुल्क को संभाल लिया है, पाकिस्तान को संभाल लिया गया है। जो कुछ परेशानियां थे, परेशानी रात ही दूर हो चुकी थी, परेशानी तो 3-4 रोज, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन फैसला दिया था। मैं हमेशा आपके चैनल पे ये कहता हूँ, हमारी अदालतें बिल्कुल आजाद हैं, हमारे जज बहुत काबिल जजेज हैं, वो एक बेहतरीन फैसला देंगे इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए, इस कौम के लिए, इस खित्ते के लिए, और वही करके दिखाया हमारे जजेज ने। और ये एक इतनी आला मिसाल है अदलिया की कि जो दुनिया देख रही है और दुनिया। लेकिन इरशाद साहब, एक मिसाल तो आपको ही पेश करनी है कि आप लोग सब अलग अलग पार्टी साथ में मिलकर आई हैं, और क्या आप लोगों के बीच में बहुत डिफरेंसेस रहे हैं, सबने देखा है चुनाव के दौरान, क्या आपको लगता है कि आप लोग साथ में काम कर पाएंगे, किसको कौन सी मिनिस्ट्री चाहिए उसको लेकर बातचीत हुई है क्या? जो कुछ था वो खत्म हो गया। देखें अपोजिशन एक जमहूरियत का हुसन होता है, अपोजिशन तो ये अपोजिशन क्यों इकट्ठी हुई, ये मुल्क की बेहतरी के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये मुल्क को खुशहाल करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये अपने लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, ये पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हुए। मैं कहता हूँ सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो हम पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हुए हैं। जब पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हुए हैं तो फिर हमें वजारतें नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान की खुशहाली चाहिए, हमें आवाम की खुशहाली चाहिए, हमें खित्ते में अमन चाहिए, हमें पूरे दुनिया के ममालिक उनके साथ डिप्लोमेसी चाहिए कि एक खूबसूरत तरीके से हम उनके साथ खारजा पॉलिसी तय करें और उनके साथ तय करें अपने मामला। वैसे आपके पास वक्त तो बहुत ही कम ही होगा, क्योंकि इशरान साहब, क्योंकि 1.5 साल के करीब बचा हुआ है, ये जो पूरा का पूरा असेंबली का जो टाइम है करीब 1.5 साल ही बचा हुआ है। अगर इंसान चाहे तो एक लम्बे में तकदीर बदल सकता है। तकदीर कैसे बदली जाती है, जब आपकी नीयत। देखिए आप पॉलिटिशियन इरशाद साहब, आप लोग पॉलिटिशियन लोग ऐसे ही बोलते हैं। इमरान साहब भी आए तो उन्होंने कहा था कि हम तब्दीली करने आए, पता नहीं उन्होंने क्या तब्दीली की, वो तो आप लोग ही बता पाएंगे क्या तब्दीली हुई है, आप भी नेता है। अच्छा मैं जरा शिवाज साहब को भी ऐड कर लूं, काफी देर से वो बैठे हुए हैं, आपसे भी मैं बातचीत करता रहूंगा। अच्छा शिवाज सर, देखिए भारत का तो कोई लेना देना नहीं है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, अंदरूनी मामला है, हमारे लिए सिर्फ इतना ही है कि उस मुल्क में शांति बरकरार है जिससे कि हम भी शांति से रह सकें। ये जो बदलाव हुआ है वहां पर, आपको लगता है कि भारत के लिए किस तरह का रहेगा, खासतौर पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से?
देखो दो बातें हैं, एक तो सच्चाई है कि अगर स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आती है तो वो भारत के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अफगानिस्तान में भी अभी कोई खास स्टेबिलिटी नहीं आई है और पाकिस्तान में भी इनस्टेबिलिटी थी तो वो भारत के लिए एक प्रकार सिक्योरिटी रिस्क था, पर अब जो जिस प्रकार से स्टेबिलिटी आई है उससे फायदा होगा। दो तीन बातें बड़ी स्टैंड आउट की हैं इस दौरान। एक तो जुडिशरी, देखो जो सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन आई और जजमेंट आया 5-0 का, उससे क्या है लोगों के अंदर एक प्रकार विश्वास पैदा हो गया सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की जुडिशरी में, अवाम का भी और इंटरनेशनली, ये एक बहुत चीज नजर आई। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी को मुझे लगता है इमरान खान ने बहुत कॉक्स किया, बहुत ही ट्राई की कि वो इन्वॉल्व हो, मगर उन्होंने बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं की, उन्होंने एज ए रेफरी आउटसाइड द फील्ड काम किया और वो एक प्रकार से पॉलिटिकल प्रोसेस का होने दिया, और ये पॉलिटिकल प्रोसेस से आज से पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको आउस्टर किया गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन से। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है शहबाज शरीफ के लिए 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा चैलेंज रहेगी। एक तो रहेगी वो किस तरीके से अपने रिश्ते अच्छे करें अमेरिका के साथ और भारत के साथ, क्योंकि अमेरिका के साथ जो रिश्ते इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ हो गए जिसमें वो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, उनको दोबारा उन्होंने ट्रैक पे डालना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इकॉनमी, इकॉनमी काफ़ी हालात खराब हैं, आज की तारीख में $186 बिलियन का कर्जा है, इन्फ्लेशन डबल फिगर पे है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, फंडामेंटलिज्म है, टेररिज्म बढ़ रहा है तारीख तालिबान पाकिस्तान का, तो ऐसे में एक चैलेंज तो है शहबाज शरीफ का, मगर सब सोचते हैं कि शहबाज शरीफ ये एक डायनेमिक लीडर हैं, ये एक सीजेंट पॉलिटिशियन हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है, 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके पंजाब का, तो मुझे लगता है कि आज की टाइम में सबसे अच्छे लीडर यही हैं जो कि पाकिस्तान को इस हालात से निकाल पाएंगे और इन अपने देश जो नजदीक के देश उनके साथ एक अच्छे रिलेशन करके एक अच्छा माहौल पैदा करेंगे। इशाद जी से इसका जवाब भी ले लेते हैं क्योंकि उन्हीं के पार्टी से आते हैं। इशाद सर, आपने सुना शिवाज सर ने जो कुछ बातें कही हैं कि ये हमें लगता है कि बिल्कुल ये बहुत सारे आपके पास चैलेंजेस हैं, क्या आप लोगों की ओर से कुछ तैयारी हुई है कि आप लोगों का जो जो पूरा ऑपोजिशन साथ में आया कि हमारे पास एक कहते हैं ना कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, जैसे भारत में हमने देखा कि जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है उनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाता है, आप लोगों का भी कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है जिसके तहत आप लोग काम करेंगे, इकोनॉमी हमारी फॉरेन पॉलिसी सारी चीजों को ठीक करना है? देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ कि मिशन यही है, ये जो इकट्ठे हुए, मैंने आपको क्या कह रहा था मैं अभी थोड़ी देर पहले कि ये जो हमारे आपके पास कोई तैयार हुआ है एजेंडा, तैयार किया है तो हम लोग आए हैं, तैयारी के बगैर तो कभी कुछ नहीं होता। मैं तैयार होकर के मैं डिटेल ये बता रहा हूँ कि इस वक्त सबसे पहले खारजा पॉलिसी पे जोर दिया जाएगा, फिर उसके बाद दहशतगर्दी पे कंट्रोल किया जाएगा। वैसे तो दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है, हम कोशिश करेंगे आपकी और अपनी सरहदों को कंट्रोल करने की, और इंशाल्लाह आपकी तरफ जब पैगाम जाएगा एक मोहब्बत का तो आप भी आतंक खत्म कर देंगे वहां से भेजना। तो जब ये वाला काम खत्म होगा तो खुद ब खुद खित्ते में अमन आ जाएगा। दूसरी बात यह है अमेरिका, चाइना, तुर्की, अपना मलेशिया, हम ये सारा एक ब्लॉक, इस्लामिक ब्लॉक को भी इकट्ठा करेंगे इंशाल्लाह। इस्लामिक ब्लॉक तो पहले भी हमारी अभी कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद जो है अमेरिका को, अगर अमेरिका हमारे साथ है, देखें वो कोई मसला नहीं है, खान साहब की गलतफहमी थी, उन्होंने थोड़ा सा दूरी कर रहे थे हमारी पूरी दुनिया के ममालिक से, अब वो भी खत्म हो जाएगी, गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी। सबसे पहला काम है खारजा पॉलिसी पे बेहतर तरीके से ध्यान देना, सबसे बेहतरीन तान से सलाम पेश करना, सबसे बेहतरीन तरीका है अपने इदारों को मजबूत करना, सबसे बेहतरीन होगा कि हमारी महंगाई को कंट्रोल करें। जब ये चीजें कंट्रोल हो जाएंगी तो खुद ब खुद सब कुछ स्मूथ जब हो जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल के कोई मसला होगा। और दूसरी बात, सब लोग ये कह रहे हैं कि अपोजिशन इकट्ठी होगी, इतनी पार्टियां इकट्ठी होगी, भाई पार्टियां इकट्ठी हुई हैं किसी मफाद के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। मैंने पहले भी कहा सबसे पहले पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए जब हम इकट्ठे हुए हैं तो पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम करेंगे, खित्ते के अमन के लिए काम करेंगे, पूरी दुनिया के लिए काम करेंगे और दिखाएंगे कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर भी है और पाकिस्तान दुनिया के साथ खड़ा होना जानता है, पाकिस्तान आंखों में आंखें डाल करके बात भी कर सकता है, पाकिस्तान किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करता और पाकिस्तान के साथ सब दुनिया है और तमाम दुनिया के साथ पाकिस्तान खड़ा होगा इंशाल्लाह, मेरे कायदीन के साथ और मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाल्लाह ईद से पहले पाकिस्तान में होंगे
ईद हम पाकिस्तानियों के साथ करेंगे। हो सकता है कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज साहब बताइए, नहीं एक बात बताइए, इमरान खान थोड़ी ना चुप बैठे रहेंगे, इमरान खान भी थोड़ी ना चुप बैठे रहेंगे। नहीं, उनके बोलने से वो कौन सा चुप हुए, पिछले चार साल से वो बोल ही तो रहे थे। उनके बोलने की वजह से उनकी हुकूमत गिरी है, उनके बोलने की वजह से वो इस हालत पे पहुंचे हैं। अगर वो खामोशी से हुकूमत करते, उनके साथ तो यंगस्टर लोग थे, यंग खून जितना भी था, जवान खून उनके साथ था, लेकिन उन्होंने उनको भी बर्बाद किया, उनकी भावनाएं भी खराब की, मुल्क की तमाम पॉलिसीज खराब की, उसी की वजह से उनकी हुकूमत गई है। अब ये देख लीजिए कब से वो अनाउंस कर रहे हैं बाहर निकलो, लोगों का ना निकलना, लोगों का सब्र करना, क्या वो बता रहा है कि हम आपके साथ नहीं है खान साहब, अब बस अब आप आराम कीजिए, आपका आराम का वक्त आपके 70 साल उम्र होगी, आप चिंता मत कीजिए। इमरान खान, मुझे लगता है कि इमरान खान इस तरह के लीडर है, उनको तो आपने देखा है, कई सालों से आपने देखा है कि उस तरह के लीडर है, वो खामोश तो बैठेंगे नहीं। हाँ, आप लोगों के लिए जरूर वो दिक्कत पैदा करेंगे, आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग मिलकर किस तरह से इमरान खान का मुकाबला करें और जो वादे आप कर रहे हैं वहां की आवाम के लिए उसको पूरा कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।